बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तारिक नवीद है और मैं इस जो आपको मंज़र दिखा रहा हूँ इसको मैंने 12 दफ़ा रिपोर्ट किया है और आज से मेरा 6-7 साल से मैं इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ कि ये गलीज़ गंदा पानी जो शहर भर के गटर और सेवरेज से डिस्पोज पर पहुँचता है तो ट्यूबवेल्स से उठाकर इस पानी को बज़ाहिर नहर की दूसरी तरफ फेंका जा रहा है लेकिन दरमियान में ये जानबूझ के इस नाले को तोड़ा हुआ है। ये आज की बात नहीं है, ये कम से कम आज से 6-7 साल से मैं इसको बार बार दिखा रहा हूँ। रिपोर्टर पाकिस्तानी एक्सप्रेस न्यूज़ और जियो दोस्त जियो न्यूज़ पर ये नशर हो चुका है लेकिन सिस्टम का अंधापन कह लें, बहरापन कह लें या ये गंदा सिस्टम जो है वो इस बात को सुनने को तैयार ही नहीं और कोई ऐसा अफसर भी नहीं जो हमारी इस बात को सीरियस ले और समझे कि नहर के शफाफ पानी में, साफ पानी में ये गटरों का गंदा पानी दनिस्ता तौर पर मलाया जा रहा है। और हैरान कुन बात यह है कि उकाड़ा का मीडिया भी इस पर आवाज़ उठाने को तैयार नहीं, लेकिन हम शायद इनकी नज़र में पागल हैं कि हम बार बार यहाँ आते हैं, आके ये मंज़र दिखाते हैं, यहाँ से बड़े बड़े अफसरान गुज़रते हैं, बड़े बड़े सियासतदान गुज़रते हैं, आवाम के हमदर्द गुज़रते हैं, लेकिन उन्होंने कभी यहाँ रुक के इस बात का नोटिस लेने का गुवारा ही नहीं किया। दुख की बात तो ये है कि जो लोग इस नहर का पानी पीते होंगे या इससे पाकी हासिल करते होंगे, क्या उनके लिए ये पानी मुजरे सेहत नहीं है? क्या उनके लिए ये पानी गलाजत भरा नहीं है, नापाक नहीं है? तो मेरी इंतज़ामिया से अपील है कि वो इस मसले पर फौरी नोटिस ले और इसके सदे बाब का कोई ना कोई इंतज़ाम करे। शुक्रिया। तारिक नवीद, कैमरामैन सलमान शेख के साथ, नहर लोअर बारी दुआब, उकाड़ा।